दोस्तों अपना खाना पीना हो गया है, अब निकलने का तैयारी करते हैं। और देखिए हमारा झोला जो भी है पैक हो गया है, तो अब निकलते हैं अब यहाँ से। खाना भी लग गया हुआ है, दाल तड़का है और रोटी है, भुजिया है, और भैया का भी खाना लग गया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम खाना खाते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपके दुआ से हम भी ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का 5:30 बज गया है और अभी देख सकते हैं अपना गाड़ी अपना पीछे, और अभी है पटना में। देख सकते हैं मेट्रो का काम लगा हुआ है। अभी चलते हैं थोड़ा डेरा पर से घूम करके आते हैं। छोटू को बोले है कि अपना गाड़ी में तुम रहना थोड़ा, और अच्छा से रहना, 2 घंटा में मात्र हम चले आएंगे घूम करके। तो ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं यूरिया वाला डब्बा है, तो एगो डब्बा ले जाते हैं और चलते हैं। अभी यहीं पर 0 माइल है, सामने ये 0 माइल है, यहाँ से ऑटो पकड़ करके सीधा हम गांधी मैदान निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, निकलते हैं फिर। देख सकते हैं दोस्तों ये 0 माइल है, पटना का 0 माइल, और यहीं से हमको अभी ऑटो पकड़ना होगा। यहाँ सामने से ऑटो पकड़ते हैं। दोस्तों अभी डेरा पर पहुंच चुके हैं अभी हम, और देखिए अपना बाबू स्कूल के लिए तैयारी हो गया है। कै बजे से कै बजे तक तुम्हारा स्कूल है? 7 बजे से 12:30 बजे तक बाबू अपना जा रहा है श्रीयान स्कूल। ठीक है दोस्तों, जाते हैं हम स्कूल अब। दोस्तों अभी सुबह का 9 बज गया है और अभी हम नहा धोवा करके एकदम फ्रेश हो गए हैं। रास्ता में आने में हाजीपुर में बहुत ज्यादा जाम हमको मिला था, रात भर सो नहीं पाए, एकदम सोए नहीं है रात भर। और सुबह सुबह 0 माइल पर अपना गाड़ी लगा करके डेरा पर आ गए, थोड़ा फैमिली से भी मुलाकात हो गया। तो ठीक है, अब खाना वाना खा करके थोड़ा देर में निकलते हैं यहाँ से, फिर गाड़ी पर चलेंगे। तू को भी बोल दिए थे कि नाश्ता पानी कर लेना, जब तक आगे चल के खाना खाया जाएगा, और अपना तो खाना यहीं पर बना हुआ है डेरा पर। दोस्तों देख सकते हैं अपना खाना निकल करके रेडी हो गया है, और ये राजमा चावल है, देख सकते हैं राजमा चावल अपना मैडम जी बनाई है, देख सकते हैं, और इधर सलाद भी काट दिया है। तो ठीक है, शुरू करते हैं अब खाना खाने का। बहुत ही मस्त राजमा चावल बनाई है। दोस्तों देखिए अब मेरा बड़ी वाली बेटी भी खाना खाने के लिए अब तैयार हो गई। हम खा रहे थे तो बोली कि हम भी खा लेते हैं पापा, हम बोले कि ठीक है खा लो, और सब सलादे पहले ख़त्म कर रही है। दोस्तों अपना खाना पीना हो गया है, अब निकलने का तैयारी करते हैं। और देखिए हमारा झोला जो भी है पैक हो गया है, तो अब निकलते हैं अब यहाँ से, अब चलते हैं 0 माइल। छोटू अपना गाड़ी में है, वो भी नाश्ता उस्ता कर लिया होगा, उसको बोले थे कि नाश्ता उस्ता कर लेना, और अभी 10 बज गया है। तो ठीक है दोस्तों, निकलते हैं। दोस्तों अभी पहुँच गए हैं 0 माइल अपने गाड़ी पर, अब यहाँ से निकलते हैं, अब चलते हैं। छोटू भी अपना नाश्ता कर लिया है। पटना से चल करके दनियावा बाजार है, ये देख सकते हैं दनियावा बाजार अभी है, और रेलवे क्रॉसिंग का जाम लगा हुआ है, मतलब अभी ट्रेन पार हुआ है और अभी खुल जाएगा रेलवे क्रॉसिंग, जो रेलवे गेट है वो खुल जाएगा। और छोटू को भी खाना खिला दिए, फतुहा में रुके हुए थे, और वहीं पर छोटू को बोले हैं कि खाना खा लो, छोटू अपना खा लिया है, और हम तो खाना खाइए करके आए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये मछली का इधर बर्तन वर्तन सब रखा हुआ है, और यहाँ पर जो भी होटल सब दिख रहा है ना पीछे तक, जो भी होटल दिख रहा है उसमें फिक्स खाना खिलाता है, 60-70 रुपया में भर पेट मछली चावल खिलाता है, जितना खा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब रेलवे क्रॉसिंग का जो रेलवे गेट है अब खुलने वाला है, तो अब रेलवे गेट खुलने का इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों अभी बिहार शरीफ पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं यहाँ से माए की तरफ जो रास्ता गया हुआ है ये बिहार शरीफ बाजार में चला जाता है, और हमको जाना है सीधा पर ही निकलना है यहाँ से NH2 में। तो ठीक है दोस्तों, अभी आगे में रुकेंगे, थोड़ा टायर उड़ देखेंगे क्योंकि गर्मी का समय है,
और टायर भी देखना जरूरी है, देख सकते हैं कितना गर्मी खूब किया हुआ है, मौसम एकदम गर्म किया हुआ है। लेकिन यही एगो फायदा है कि हवा चल रहा है तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, यही हवा नहीं चलता ना तो और ज़्यादा गर्मी रहता और टायर को और ज़्यादा दिक्कत है। तो अभी देखिए यहीं पर रोकते हैं सामने, ये पार्किंग है यहाँ पे, यहीं पे रोकते हैं अभी। देखिए अभी छोटू टायर चेक कर रहा है, सही है छोटू टायर, बोल रहा है कि हाँ। तो ठीक है दोस्तों, अब टायर चेक कर लिया छोटू, अब यहाँ से निकलते हैं। और टायर तो थोड़ा मोरा गर्म है लेकिन इसी में धीरे धीरे निकलते हैं फिर। दोस्तों टायर देख करके तो चल दिए हैं और देख सकते हैं अभी बिहार शरीफ में है, इधर सब्जी का जो खेती है देख सकते हैं प्याज लगा हुआ है और रंग बिरंग का इसमें सब्जी लगा हुआ है। और बिहार शरीफ सब्जी के मामले में समझ लीजिए कि पूसा से मुकाबला में है, पूसा एगो है हम लोग का समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ भी सब्जी के मामला में नंबर वन पर है और बिहार शरीफ भी, क्योंकि हर किसान सब्जी का खेती जरूर करता है यहाँ पर, ये बात है। और यहाँ से प्याज गोभी बहुत चीज ऐसा सब्जी है अगल बगल जिला में जाता है, यहाँ से देख सकते हैं सब्जी का ही खेती ज्यादा करके मिलेगा यहाँ पर। दोस्तों अभी पीछे बाजार में रुके हुए थे और देखिए छोटू अभी माजा ले लिया और यहाँ पेट्रोल पंप है सामने में, तो यहाँ से पानी भी भर लिया, पानी भी भर लिया अपना। और प्रसाद लाए हैं घर से डेरा से, और देखिए छठी माई का प्रसाद है तो हम लोग प्रसाद खाने का शुरू करते हैं। लो छोटू तुम भी खाओ, बहुत मस्त है, खजूरी है देख सकते हैं, बिहार का स्पेशल डिश है। इसमें और भी चीज है, अनार है, खजूरी है, सेब है। दोस्तों अभी देख सकते हैं रजौली बॉर्डर पार करके और कोडरमा घाटी का बस जस्ट नीचे में आए हैं अभी। और देखिए ये सामने होटल है और होटल पर अभी सरदार जी का होटल है, इसी होटल पर रुके हैं अभी चाय पानी पीने के लिए। तो अभी चाय पानी पी करके फिर यहाँ से निकला जाएगा, यहाँ से अब घाटी शुरू हो जाता है। ठीक है चलते हैं चाय पानी पीने। और अभी आ गए हैं होटल में और चाय को ऑर्डर कर दिए हैं, भैया को बोल दिया कि चाय ले ले आइए दो। छोटू का है इधर, छोटू भी अब पी लेगा। तो दोस्तों हम लोग का चाय पानी हो गया और निकलते हैं अब, छोटू निकला जाए। तो अब गाड़ी का अपना थोड़ा टायर उड़ भी चेक हो गया और इंजन उंजन का भी थोड़ा हवा लग गया, तो अब यहाँ पर अपना से कम चेक हो गया, तो अब यहाँ से निकलेंगे आराम से। तो ठीक है दोस्तों निकलते हैं। दोस्तों अभी घाटी एरिया पार कर रहे हैं और देख सकते हैं इधर डाउनिंग है, चढ़ाई है और साइड साइड में पेड़ है, एकदम जबरदस्त जबरदस्त पेड़ सब है, दो नंबर लगाना पड़ गया यहाँ पे। माल भी तो लोड है, 36 टन फुल ग्रॉस है 36 टन। दोस्तों अभी देख सकते हैं पहुंच गए हैं घंघरी में और इधर देखिए अपना गाड़ी और सामने होटल। तो ठीक है अब चलते हैं हम लोग खाना खाने के लिए। और अभी नींद लग रहा है बहुत जोर, क्योंकि कल रात को भी नहीं सोए हैं, बिल्कुल नहीं सोए हैं, थोड़ा भी नहीं सोए हैं। और अभी तो 11 बज गया है रात का। तो ठीक है चलते हैं खाना खाने, फिर यहीं पर सोया जाएगा, सुबह उठ करके यहाँ से चला जाएगा। देखिए दोस्तों घंघरी होटल में हम लोग अभी बैठे हुए हैं और इधर देख सकते हैं अपना खाना भी लग गया हुआ है, दाल तड़का है और रोटी है, भुजिया है और भैया का भी खाना लग गया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों अब हम खाना खाते हैं। बहुत मस्त है खाना,
ठीक है दोस्तों, भैया भी अब खाना खाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का 4:30 बज गया है और अभी गंगरी से निकलते हैं। यहीं पर खाना वाना खा करके सो गए थे, तो ठीक है अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं धनबाद के लिए। तो अभी हम लोग अटका जंगल में पहुँच गए हुए हैं, बाजार पार्क करके अभी देख सकते हैं अटका जंगल में है। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से गाड़ी लेकर हम चल रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, छोटू अपना गाड़ी चला रहा है और अभी पहुंच चुके हैं जो दिखा रहे हैं। देखिए ये डुमरी टूल टैक्स है, सामने वाला में जाओ, सामने वालों में अभी टूल टैक्स में पहुंच चुके हैं। अपना फास्ट टैक्स है, पैसा कट जाएगा, खुल गया दोस्तों। अभी तोपचांची पहुँच चुके हैं, तोपचांची होटल में, अपना गाड़ी उधर है और अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। फिर थोड़ा दूर और जाना है, गोविंदपुर जाना है, गोविंदपुर धनबाद। तो चाय दीजिए दोस्तों, अपना चाय आ गया है और चाय पी लेते हैं अभी। और छोटू भी आ रहा है उधर, थोड़ा पैर हाथ धो रहा है छोटू। तो ठीक है, चाय पी करके अब यहाँ से निकलते हैं। तो वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।